पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार मिश्रा ने अचानक थाने का निरीक्षण किया। इसके साथ ही उन्होंने पुलिस कर्मियों को फटकार लगाई। उन्होंने जल्द व्यवस्था सुधारने के निर्देश दिए। एसपी ने समाधान दिवस में जाकर थाने का निरीक्षण किया। उन्होंने थाने का भवन देखा। सिपाही आवास में गंदगी देख एसपी खफा हो गए। उन्होंने पुलिस कर्मियों को फटकार लगा दी। थाना अध्यक्ष अंगद सिंह को कंप्यूटर कक्ष में सफाई कराने के निर्देश एसपी ने दिए। सिपाही अजीत कुमार से ऑनलाइन चार्जशीट की जानकारी ली। एसपी ने खाली पड़े वैरंग देखी, आवास के पंखे चलवा कर देखे। एसपी ने थाने के बाहर हिस्ट्री शीट और बोर्ड ना लगे होने पर नाराजगी जाहिर की। समाधान रजिस्टर में लेखपाल पवन कुमार अनुपस्थित मिले। उन्होंने थानाध्यक्ष से लेखपाल की रिपोर्ट बनाकर जिलाधिकारी को भेजने के निर्देश दिए। वहीं दरोगा अनुराग सिंह को मालखाने का प्रभारी बनाया गया। दीवान राजीव कुमार को मालखाना दुरुस्त रखने पर पीठ ठोकी और 1000 का इनाम भी दिया। समाधान दिवस के जो हमारा थाना समाधान दिवस है, उसी के तहत जनपद फतेहगढ़ के कई थानों का मेरे द्वारा चेकिंग भी की गई और थानों पे पहुंच के जो थाना समाधान दिवस में जो समस्याएं आई गई थी उनको भी निस्तारण करने का प्रयास किया गया है। उसी के तहत थाना अमृतपुर और थाना राजेपुर, जहाँ ये थाना राजेपुर है, इसका भी हम लोग यहाँ बैठ के जो जन सुनवाई है वो की है, लोगों की समस्याओं को सुना है। और थाना राजेपुर में यहाँ पे इसका मुआयना भी किया गया, चेकिंग भी किया गया, जो कार्यालय है उसके अभिलेख भी चेक किए गए और बाकी जो है भवन वगैरह वो भी चेक किए गए। यहाँ पे जो हमारी टीम है बहुत मुस्तैदी से काम कर रही है और जो इसमें बाकी हमारे जो जनता के लोग हैं, पत्रकार बंधु हैं, बाकी हमारी टीम है, उनके माध्यम से जो सुझाव भी प्राप्त हुए हैं थाने में, जो मुहर्रम या त्यौहारों के बारे में जो सुझाव प्राप्त हुए हैं उन पे भी हम लोग लगातार काम कर भी रहे हैं और आगे भी करेंगे। और थाने की वर्किंग यहाँ पे अभी तक के मुआयने से ठीक पाई गई है और आगे जो है लगातार मीटिंग करके यहाँ पे चाहे मालों का निस्तारण हो, चाहे क्राइम कंट्रोल हो, चाहे थाना समाधान दिवस, तहसील दिवस हो या जन सुनवाई हो, इसको और भी सुदृढ़ बनाया जाएगा। और मेरे द्वारा यहाँ के जो हेड मुहर्रर है, जिनके द्वारा माल निस्तारण के दिशा में अच्छा कार्य किया जा रहा है, उनको 1000 रुपये इनाम से पुरस्कृत भी किया गया है। और फ्यूचर में भी हमारी जो जन समस्याएं हैं, जो जन भावनाएं हैं, उसको ध्यान में रखते हुए लगातार जो फतेहगढ़ की पुलिस है लोगों के लिए काम करती रहेगी और कानून व्यवस्था बनाएगी। पार्ट 3 में सर एसआई ने बताने पर इस पर क्या कहेंगे आप? ये सीखना लगातार एक प्रक्रिया है और यहाँ पे कई अभिलेखों को मेंटेन करने के लिए मेरे द्वारा बताया भी गया है। और जैसा मैंने बताया कि हमारे थाना प्रभारी जो है लगातार अपनी टीम के साथ लग के कार्य कर रहे हैं और फ्यूचर में मुझे उम्मीद है जनता को साथ लेके और बाकी हमारे जनता के लोग हैं उनसे फीडबैक लेते हुए आगे अपने कार्य में और बेहतर करें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही स्क्रीन पर दिख रही घंटी को दबाएं ताकि आप तक हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन पहुंचते रहें।